हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास चंद्र है और आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल आसान विज्ञान पर। दोस्तों, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और फिलहाल आज हमें यहाँ पर ये दो क्वेश्चन करने हैं, तो एक्सरसाइज है ये 9.1। और क्वेश्चनों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले जो हम पहले भी 8.8 एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो बेसिक फॉर्मूला जो आपको याद है एक बार फिर मैं उसको रिमाइंड करवा रहा हूँ आपको। पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना? एक ये बेसिक फॉर्मूला है आपका। तो पंडित, ये जो PBP है इसको हम कैसे लिखेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा, नेक्स्ट कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, नेक्स्ट टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नेक्स्ट फिर इसका उल्टा, चलो यहाँ से उल्टा, ठीक है ना? टेन के बाद कोट, कॉट थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन, ओ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे इसके बाद हमारा कॉट के बाद क्या आ जाएगा? सेक थीटा, ठीक है? सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, नेक्स्ट है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है? तो ये बेसिक फॉर्मूला है जो कि आपको याद होने चाहिए। तो दूसरा, इसमें एक टेबल है जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना? एक जो टेबल है वो आपको याद रखनी है इसमें, तो उसका भी ध्यान रखना है यहाँ पर। और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस एक दो छोटी छोटी चीज़ें, बस बेसिक पुराने फॉर्मूले आपके यहाँ पर यूज होंगे, कुछ नया नहीं होगा इसमें, सब यहाँ पर पुराने ही फॉर्मूले हैं। नया क्या है वो बता देना इसमें। सपोज करो हमारे पास एक ये टावर है, ठीक है नहीं? हमारे पास एक क्या है? टावर है। और टावर कहाँ पर होगा? जमीन में ही होगा, ग्राउंड में, ठीक है ना? तो ये वो ग्राउंड है, ठीक है ना? सपोज करो यहाँ पर कोई है, कोई पॉइंट है यहाँ से, जैसे हम यहाँ पर एक पॉइंट ले दे रहे हैं, ए पॉइंट, ठीक है ना? इस पॉइंट से आपको इस टावर का टॉप देखना है, इस पॉइंट से इस टावर का क्या देखना है? टॉप देखना है। तो ये जो एंगल जो बनेगा, जो ये लाइन जा रही है स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना? ये जो एंगल बनेगा इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना? इस वाले एंगल को अगर मैं इसको थीटा बोल दूं, ठीक है ना? और जैसे जैसे अगर ये ए पॉइंट इस तरफ को जाता रहेगा, ये एंगल भी क्या होगा? इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है? मेरे कहने का मतलब, जैसे ये वो टावर है, पहले आप यहां पर थे और आप इस टावर को कुछ यहाँ से इस टावर के टॉप को देख रहे हो, ठीक है? तो ये थीटा क्या है? एंगल ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है? जब नीचे से ऊपर को देखते हो, ठीक है ना? जैसे ये हॉरिजेंटल लाइन है और यहाँ से आपको देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, ठीक है ना? तो ये जो थीटा है इसको हम क्या बोल रहे हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना? तो जैसे जैसे इस ये पॉइंट, जैसे ये ए पॉइंट ए है, अभी ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है ना? तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना? पहले कम, पहले सपोज करो ये 30 था, अब ये कितना हो गया? सपोज करो 45 हो गया। जैसे जैसे आप पास आते रहोगे तो ये इंक्रीज होता रहेगा। सपोज करो अब क्या हो गया? 60 हो गया या 70 हो गया, ठीक है नहीं? तो एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की ओर बनेगा, ठीक है नहीं? इसी तरह से, इसी तरीके से सपोज करो हमें इस बार जो ऑब्जेक्ट है सपोज करो इस बार हम ये टावर के टॉप पर हैं, ठीक है नहीं? इस टावर के टॉप पर सी कोई पॉइंट है और इस सी पॉइंट से आप ए पॉइंट को ऐसे देख रहे हो ऊपर से, ठीक है नहीं? तो ये इस बार हॉरिजेंटल लाइन ये बना दी मैंने, ठीक है नहीं? और सी पॉइंट से नीचे जब देख रहे हो आप ए पॉइंट को, तो ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन,
एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब टॉप से आप नीचे देखोगे, ठीक है ना। तो ये थीटा होगा तो ये भी क्या होता है, थीटा, ठीक है ना। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और कुछ खास इसमें नया नहीं है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है और इसमें क्वेश्चन को फिर आराम से हो जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। जो दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है तो उन दोनों क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज है 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसने बोला है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो कि चढ़ रहा है किस पर, रोप पर, एक रस्सी पर चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल। इसमें एक पोल है, ठीक है ना। और एक चीज इसमें ध्यान रखना, जितने भी यहां पर आपको ट्रायंगल मिलने वाले हैं स्टिग्नोमेट्री में, सब के सब राइट एंगल ट्रायंगल होंगे होंगे, ठीक है ना। तो ये एक क्या है, एक पोल है, ठीक है ना। अब पोल कहाँ होगा, ग्राउंड पे ही होगा, ठीक है ना। और किस एंगल पे होगा, 90 एंगल पे, ठीक है ना। इसलिए कह रहे हैं कि यहां पर जितने भी आपको ट्रायंगल मिलने वाले हैं सारे के सारे क्या होंगे, राइट एंगल यहां पर ट्रायंगल होंगे। तो ये एक टावर है, और इस टावर से सपोज करो इस पॉइंट से 20 मीटर लॉन्ग रोप, ये 20 मीटर यहां से एक रोप है जो कि इस टॉप पर क्या है, टाइटली क्या है, एकदम टाइटली क्या है, उसने बांधा हुआ है इसको, ठीक है ना। सर्कस का जो आर्टिस्ट है, ये रोप है ये एकदम से क्या, एकदम टाइटली क्या है, बंधी हुई है, ताकि ये लूज ना हो बीच में, ठीक है ना, एकदम टाइट स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, इसे बी बोल दिया, इसे सी, ठीक है ना। एक पोल है, ठीक है ना। पोल कहाँ है, ग्राउंड में है, ग्राउंड से कुछ दूरी पर एक पॉइंट ए है जिस पर एक रस्सी है, एक रोप है जो कि नीचे यहाँ पर भी बंधी हुई है, और इस पोल के टॉप पर एकदम टाइटली क्या है, बंधी हुई है। और जो ये जो आर्टिस्ट है, ठीक है ना, ये इस रस्सी पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है इस रस्सी पर, ये आर्टिस्ट क्या ऐसे ऊपर को चढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इन्होंने इस रोप की जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 20 मीटर, ये इसने गिवन कर दिया, ठीक है। तो रोप की लेंथ भी उन्होंने दे दी है। उसके बाद इसने बोला है इफ द एंगल मेड बाय द रोप, अगर इस रोप के द्वारा अगर जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है ग्राउंड के साथ, है ना। ये जो रोप है और ये ग्राउंड है, रोप और ग्राउंड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना कहा उसने, 30 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है इसमें, एक बार फिर से पढ़ते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो हमें इसमें क्या करना है, ये जो पोल है उसकी क्या मेजर करनी है, यहां पर लेंथ हमें फाइंड इसमें करनी है, फाइंड द हाइट। थोड़ा इसमें इसमें कुछ छूट गया है, ठीक है, यहां पर कुछ मिस हो गया है, हमें निकालना क्या है इसमें, फाइंड द हाइट, हाइट किसकी, इसकी निकालनी है, ठीक है। तो करते हैं इसको स्टार्ट। हाइट को अगर कुछ मानना है तो मान दो, नहीं मानोगे तो भी कोई प्रॉब्लम यहाँ वाली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो लेट द हाइट, लेट द हाइट ऑफ पोल कितनी है, हाइट पोल की उसको हम मान दे रहे हैं h मीटर, ठीक है। पोल की जो हाइट है हमने कितनी मान ली, h मीटर। अब देखो ये एक ट्रायंगल बन गया है, और कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें देखो करने का तरीका हमारा, आपको जो इन तीनों साइडों में से एक ही साइड यहाँ पर मालूम होगी, ठीक है ना, बाकी दो साइड यहाँ पर नहीं मालूम होगी। तो एक साइड जो हमें निकालनी है वो लो, और एक साइड वो जो आपको गिवन हो, ठीक है ना। ऐसी कौन सी साइड है जो आपको मालूम है इसमें, पर ये हाइपोटेनस मालूम है, और निकालना है क्या आपको, ये परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर, ये क्या हाइट है ये तो मालूम है ना, थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा,
परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, और जो बची है साइड वो क्या हो जाएगी बेस। तो जो दो साइडें यहाँ पर आपको लेनी है, एक तो आपको जो पता है और एक जो आपको निकालना है, उन दोनों में रिलेशन निकालना है, ठीक है ना। उन दोनों में क्या रिलेशन है, आपको क्या निकालना है इसमें परपेंडिकुलर, ठीक है, और क्या आपको पता है इसमें हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिखते थे, आपको क्या पता है हाइपोटेनियस और क्या आपको निकालना है परपेंडिकुलर, और हाइट अप, ओ हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर क्या होता है कॉसेक थीटा। चाहे इससे करो चाहे इससे करो, आंसर आपका दोनों तरीके से क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है नहीं, कोई अलग आंसर यहाँ पर नहीं आएगा। तो मैं तो इससे कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसको उठा दिया मैंने, ठीक है नहीं। तो एक बार क्लियर हो गया ना आपको, इस पूरे ही चैप्टर में हमें यही देखना है कि कौन सा साइड आपको पता है और कौन सा साइड आपको निकालना है, उन दोनों में रिलेशन कौन बताता है वही आपको यहाँ पर लिख देना है, फिर सॉल्व कर देना आराम से। तो फिलहाल तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है, थीटा की वैल्यू है यहाँ पर 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, परपेंडिकुलर यहाँ पर आपको नहीं पता है, उसको आपने h माना था, और हाइपोटेनस कितना माना था आपने 20, और साइन 30 की वैल्यू मैंने कहा था ना टेबल आपको याद होनी चाहिए, इसमें साइन 30 की वैल्यू आप टेबल में जब देखोगे तो 1/2 होगी, और h अपॉन 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 का मल्टीप्लाई h से कितना हो जाएगा 2h, और 20 का मल्टीप्लाई 1 से तो कितना हो जाएगा 20 ही हो जाएगा, और यहाँ से जो h की वैल्यू निकलेगी 20/2 इट मीन्स 10 मीटर, ठीक है नहीं। तो ये इस तरह से आपको टावर की जो हाइट है वो आपको मिल जाएगी। तो ये हो गया 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं, और इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में किस तरह से इन्होंने आपसे क्वेश्चन किया है उसको समझते हैं। मैं इसको भी मिटा रहा हूँ, इसकी अब जरूरत नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। इसने बोला है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। क्वेश्चन को समझते हैं इसमें, यहीं पर मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ। एक ट्री है, धीरे बना दे रहा हूँ, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, एक ट्री है, और आप जानते हो ट्री कहाँ पर होती है, ग्राउंड में ही होती है, और टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। यहाँ पर जो ट्री है एकदम स्ट्रेट होगी, ठीक है नहीं। अगर टेढ़ी मेढ़ी कहीं पर है तो आप टेढ़ी मेढ़ी नहीं मानना है, यहाँ पर स्ट्रेट मानना, ठीक है नहीं। तो जो ट्री है ये कहाँ पर है, ग्राउंड में, ठीक है। इस ट्री की कुछ लेंथ होगी, ठीक है नहीं। वो लेंथ मैंने अभी फिलहाल तो उसको ऐसा कुछ माना नहीं, मैंने फिलहाल उसको ए बी ही बोल दिया, ठीक है नहीं। ये ए बी कोई ट्री है और ये क्या है, ग्राउंड है। अब ये जो ट्री है, स्टॉर्म ठीक है, आंधी आती है कुछ इस तरह से कि इसका ऊपर का हिस्सा टूट जाता है, ठीक है नहीं। आंधी आई, ठीक है नहीं, बहुत तेजी से यहाँ पर क्या आ गई, आंधी आ गई, और ऊपर का जो हिस्सा है वो कहाँ हो गया, टूट के नीचे गिर गया, ठीक है नहीं। तो सपोज करो हम यहीं से खुश मान लें, जैसे इस सी पॉइंट पर, ठीक है नहीं, इस सी पॉइंट से ये ट्री का जो ऊपर का हिस्सा कहाँ गिर गया, थोड़ा सा इस ट्री को मैं और बड़ा बना दे रहा हूँ, आपको लगना चाहिए कि नीचे। तो ये आंधी आई तो ये ट्री का हिस्सा कहाँ गिरा, ठीक है, नीचे गिर गया। तो अब ये हिस्सा जब नीचे गिर गया
तो यहाँ पे तो होगा नहीं, तो मैंने फिर भी दिखाने के लिए कि पहले यहाँ पर था इसलिए मैंने इसको डॉटेड से दिखा दिया, ठीक है नहीं। तो ये ट्री का ऊपर का हिस्सा कहाँ गिर गया, ऐसे नीचे, तो ये ट्री का हिस्सा नीचे आ गया। अब नीचे गिरी है जो उसका टॉप था, ये टॉप जो था वो कहाँ आ गया, सीधे नीचे आ गया, ठीक है ना, ये क्लियर है। इसको मैंने डी पॉइंट लिया, ठीक है। इससे आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है दोनों सेम होनी चाहिए। सेम इसलिए कि जितना ये हिस्सा, यही चीज़, यही तो टूट के नीचे गिरा है, तो जितनी लेंथ इसकी होगी ए सी की उतनी लेंथ क्या होगी सी डी, ठीक है नहीं। ये है क्या, दोनों सेम एक ही तो है, ये इसी को खड़ा कर दोगे दोबारा ही हो जाएगा, ठीक है। तो यही हिस्सा नीचे गिरा है तो ए सी और सी डी दोनों क्या होंगे यहाँ पर, इक्वल होंगे, ठीक है नहीं, क्योंकि यही तो ट्री है जो ऊपर से टूट के नीचे गिरा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एंगल भी, जब ये नीचे गिरा ना, ये पेड़ का कुछ हिस्सा जब नीचे गिरा, ठीक है नहीं, तो ये जमीन के साथ, ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है ये कितना बना रहा है, 30 डिग्री। ऐसा उसने हमें कह दिया कि 30 डिग्री का क्या बना रहा हो, एंगल बना रहा है। और इसमें क्या गिवन है, 8 मीटर टचेस, मतलब जहां पर ये ट्री का जो हिस्सा नीचे गिरा है इसका जो टॉप जहां पर जमीन को छू रहा है, यहां पर छू रहा है, यहां से इस ट्री की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 8 मीटर। तो ये है 8 मीटर, ये आपको गिवन है, ठीक है ना, एक साइड तो आपको देगा ना। तो ये हो गया क्लियर, ठीक है ना, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, हाइट ऑफ द ट्री। अब हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट क्या थी वो हमें फाइंड करना। अब ट्री ये नहीं था, ये तो टूटा हुआ ट्री है, जो पहले ट्री जब ये ऐसा था ना तब जो हाइट थी वो कितनी है वो निकालनी, मतलब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, ए बी फाइंड करना है, ठीक है ना। ये है ट्री की हाइट, ठीक है नहीं। हालांकि वो अब नीचे गिर चुका है, पर अब उनको पहले वाली लेंथ निकालनी है कि पहले ट्री की जो हाइट थी वो कितनी है, मतलब हमें निकालना ए बी। अब ए बी को निकालने के लिए हमें पहले बी सी निकालना पड़ेगा और फिर क्या निकालना पड़ेगा, ए सी। पहले क्या निकालना पड़ेगा, बी सी, उसके बाद ए सी। और आप जानते हो कि अगर आपको ये चीज़ तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है, बी सी तो आप निकाल लोगे इस ट्राइंगल से, ठीक है नहीं। और जब ए सी को निकालने के लिए ए सी ही क्या है, सी डी है, तो आप सी डी निकाल लोगे इसी ट्राइंगल से, ठीक है नहीं। और बाद में बी सी और सी डी, सी डी यानी कि ए बी, मतलब सी डी और ए डी, ए सी क्या है, इक्वल है, तो बाद में इन दोनों को कर देंगे ऐड कर देंगे, तो वही हमें ट्री की क्या मिल जाएगी, हाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो एक बार फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ, एक ट्री है, आंधी आई, ट्री का कुछ हिस्सा नीचे गिर गया, यहाँ से हमें ये मालूम चल गया कि ए सी और सी डी दोनों क्या होंगे, सेम चीज़ है, तो इन दोनों की जो लेंथ होगी वो भी क्या होगी, सेम है। और ये जो ट्री का जो टॉप है वो कहाँ, ग्राउंड को छू रहा है, यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो कितना, 30 है, और यहाँ से इस ट्री की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 8 मीटर। चलो बहुत हो गया, फिर अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये। तो सबसे पहले मैं इसमें इसी को निकाल दे रहा हूँ, ठीक है ना, या फिर इसी को पहले मैं बी सी निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, बी सी। तो बी सी को निकालने के लिए हमें इसी ट्रायंगल में चलना है, ट्रायंगल सी बी डी। ट्रायंगल सी बी डी में आपको देखो, मैंने कहा ना दो साइड आपको देखनी है, एक साइड जो आपको निकालनी है और एक साइड जो आपको पता है, उन दोनों में क्या देखना है, रिलेशन। ये क्या, कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर, ठीक है नहीं, और ये साइड कौन सी है, बेस। और परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन बताता है, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन बताता है, टेन। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, टेन, और एंगल कितना, थीटा भी रख देंगे, तो टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, अभी वही हमें निकालना है, उसको मैंने क्या बोल दिया, बी सी। और बेस कितना है, बेस इसमें 8 मीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, इधर ही लिख दो ना मैं इसको, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और बी सी अपॉन 8, ठीक है। तो सही हो गया। तो अब इसके बाद क्या करना है, हमें इस 8 को क्रॉस ऊपर ले जाना है, ठीक है ना, मतलब ये 8 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो कितना हो जाएगा, 8/√3, और यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, बी सी बचा, इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो बी सी, बी सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 8/√3। बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 8/√3। तो अभी तो बी सी निकल गया, अभी अपने को क्या निकालना है, ए सी। पर ए सी हम निकाल नहीं सकते, ठीक है ना, ए सी की जगह हमें क्या निकालना है, सी डी निकालना है, वही किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा, ठीक है ना।
तो अब हम चलेंगे यहाँ पर, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में चलना है, फिर से उसी ट्राइंगल में सी बी डी, ठीक है ना। अब फिर से वही बात कहूँगा, अपने को इसमें दो साइड देखनी है, एक जो हमें निकालनी है और एक जो हमें पता है, ठीक है। हमें निकालनी कौन सी है इस बार, हाइपरटेनस निकालना है, इस बार कौन सा निकालना है, हाइपरटेनस निकालना है। और पता क्या अपने को, बेस पता है, ठीक है ना। तो बेस और हाइपरटेनस, बेस और हाइपरटेनस में रिलेशन कौन बताता है, बेस और हाइपरटेनस में रिलेशन कौन बताता है, ये बताता है कौन, कॉस, ठीक है ना, कौन बताता है, कॉस। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, कॉस थीटा, ठीक है। और इसको नीचे यहाँ लिख दूँ मैं, ठीक है ना। और कॉस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर, यहाँ पर भी थीटा कितना है, 30 है। और बेस कितना है, 8। और हाइपरटेनस कितना है, हाइपरटेनस है इसमें, वो हमें फाइंड करना है। और कितना है यहाँ पर, सी डी। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2 और 8/CD, ठीक है नहीं। फिर से हम क्या करेंगे, इस सी डी को हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सी डी की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, सी डी की। तो यहाँ पर हम क्रॉस कर देंगे इसको, इस सी डी को यहाँ ले आएंगे और इस 2 को ऊपर, अंडर रूट 3 को नीचे। तो सी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 × 2/ अंडर रूट 3, ठीक है। सी डी ऊपर आ गया, ये 2 8 के साथ, अंडर रूट 3 नीचे, ठीक हो गया। वैल्यू तो सही पुट कर रखी है इसमें, तो करते हैं इसको फिर। सी डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 16/√3। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर, वो देखते हैं हम फिर। अब हमें निकालना है यहाँ पर, ये पूरी लेंथ निकालनी है, ठीक है नहीं। अब हमें ये पूरी लेंथ निकालनी है, हमें निकालना है हाइट ऑफ ट्री, और हाइट ऑफ ट्री कितनी है, ए पी, ठीक है नहीं। और आप जानते हो ए बी क्या है, ट्री जो हमें निकालना है, ठीक है। और ए बी इक्वल क्या है, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, ठीक है नहीं। और जैसे कि आपको पता है ए सी ही किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, सी डी प्लस बी सी। मतलब हमें यहाँ पर अब वैल्यू पुट करनी पड़ेगी सी डी, सी डी की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 16/√3, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी निकाली हमने, बी सी की वैल्यू कितनी है, 8/√3। एलसीएम कितना जाएगा यहाँ पर, √3, ऊपर कितना जाएगा, 16 और प्लस 8। सॉल्व करेंगे तो 16 + 8 कितना होता है, 24/√3, ठीक है। अब इस √3 का ऊपर भी और नीचे भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 24/√3, ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई, नीचे भी, तो ये हो जाएगा 24√3। और 3 √3 × √3 कितना होगा, 3, और 3 से इससे कैंसिल कर देंगे, तो ए बी की जो वैल्यू निकल का है यहाँ पर, 8√3 मीटर, ठीक है ना। और √3 की अगर वैल्यू रखनी है तो √3 की वैल्यू भी यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो आंसर आ गया, यहाँ पर आ गया है 8√3। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, ठीक है। तो इसे नोट करें।